अब क्या करूं, मेरे बालों का क्या हाल हो गया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए घरेलू नुस्खे लेके आई हूँ, जिससे कि हम अपने सफेद बालों को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ब्लैक हेयर्स में। तो उसको बनाने का तरीका बिल्कुल घरेलू मेथड है, ये सब कुछ जो आपके किचन में ही अवेलेबल होगा। बनाने का तरीका बहुत आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पर हाँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और सब्सक्राइब का बटन फ्री है जो है नीचे ही रेड कलर का, आप उसको जो प्रेस कर दीजिए, साथ के साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पेस्ट बनाना है बालों के लिए, सफेद बालों को काला करने के लिए, यहाँ पर मैंने लिए है लेमन लीव्स है ये मेरे ही अपने जो है बगीचे में लगे हुए थे। तो मैं इससे जो है आज जो आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने सफेद बालों को कैसे काला कर सकते हैं, इनको जो है मैं मिक्सी में जो है इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी, इसका एक जो पेस्ट बना लूंगी मैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने नींबू के पत्तों को जो है मिक्सी में मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है, ग्रीन कलर। और ये इसमें जो स्मेल है बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्मेल आ रही है, बहुत ही अच्छी स्मेल है, और ये बहुत ही जल्दी जो है हमारा पेस्ट जो है ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अंदर जो मैं ऐड करने वाली हूँ आंवला पाउडर, आंवला पाउडर जो है इसके अंदर हमने 2 चम्मच ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि इन दोनों में जो है विटामिन सी पाया जाता है जो अधिक मात्रा में जो हमारे सफ़ेद बालों को काला करेगा। देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच आंवला पाउडर, और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी मेहंदी पाउडर जो हमारे बालों को अच्छे से कंडीशनिंग करेगा, कलर करेगा, शाइनिंग करेगा। और साथ के साथ मैं इसमें डाल दूंगी मेहंदी पाउडर, वो भी हमें 1 से 2 बड़े चम्मच ही डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना है, और हमारे जहाँ जहाँ वाइट हेयर से वहाँ पर इसको लगाना है। इस तरीके से आपको जो अपने लिए बालों का पेस्ट बन जाएगा, आप इसमें हल्का सा थोड़ा सा ही पानी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसका जो रस है इसी से ये जो अच्छे से जो है घुल जाएगा। और आप इसको जो आधे से 1 घंटे बाद इसको आप लगा सकते, तब तक इसका कलर जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये जो है पेस्ट मेरा तैयार है। अब मैं इसको जो आधे घंटे के बाद इसको रेस्ट दे देती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी ये ग्रीन दिख रहा है, देखिए ये देखिए आधे से 1 घंटा हो चुका है। मैं इसको अब जो है अपने बालों पर लगाऊंगी, और इसका कलर आप देखेंगे, इसका पानी देखेंगे मेहंदी का, बहुत ही ज़्यादा जो है ब्लैक हो चुका है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल ये जैसे कोई कलर ऐड किया है या कोई डाई है बिल्कुल उसकी तरह, और जबकि कोई ना हार्मफुल है, ना केमिकल है, ना कोई आपको साइड इफेक्ट करेगा, आपके सफ़ेद बालों को बहुत जल्दी है काला करेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये रेमेडी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरी इस वीडियो को।